हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संदीप रामर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं फिर से मछली पकड़ने के लिए, और कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है जिसके वजह से पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन देखते हैं आगे जाकर कि मछली मिलता है या नहीं, और फिर जाएंगे कहीं कहीं लोकेशन पर। और हमारे पास फिशिंग नेट है फिलहाल, तो देखते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ से जा रहे थे और एकदम से हम लोग को यहाँ पे दिखा कि बहुत सारे लोग, आप पीछे देख सकते हो, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं और अलग अलग टेक्निक से जो है मछली पकड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना कार रोका और आगे चलते हैं और देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, और हमारे पास जो फिशिंग नेट है उसे भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक तो ये तकनीक बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, जहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि एक छतरी को इस तरीके से होल्ड किया हुआ है, और यहाँ पे आप देखते हो कि पानी कितना फोर्स से आ रहा है। यहाँ पे मछलियाँ जो है उल्टा कूदती है तो वो जो है छतरी में आ जाती है, और फिर ये लोग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा ट्रेडिशनल टेक्निक है जिसपे इन लोगों ने जो फिशिंग नेट को ऐसे फंसाया हुआ है, और यहाँ से इसको जो उठाते हैं और इनको मछली मिल जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि देख सकते हो आप, भले ही इसमें कम मछलियाँ छोटे मछलियाँ, लेकिन दोस्तों बार बार अगर ये एक एक दो दो मिनट में ऐसे उठाएंगे तो इनको काफ़ी ज़्यादा जो है मछली यहाँ से मिलने वाला है। और ये वाला फिश कैच करने वाला जो टेक्निक है ये मैं बहुत ही जल्दी जो है बनाने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पर अपना जो है फिशिंग नेट डाल रहे हैं। यहाँ पे पानी का जो करंट है, स्पीड है, वो काफ़ी ज़्यादा है, बट लेट्स ट्राई यहाँ पे। अरे इसको यहाँ पे बांध दो ना, यहाँ पे नीचे एक टाइप को तलग, और यहाँ पे इसको छोड़ दो। इसमें जो है हम लोग ये बड़े वाले पत्थर को बांधेंगे और यहाँ से छोड़ देंगे इस तरीके से, और इस फिशिंग नेट को जो है यहाँ पे इस तरीके से छोड़ देंगे, और 5-10 मिनट के बाद देखते हैं कि मछली मिलता है। दोस्तों मिशन फेल, यहाँ पे एक भी मछली मिलने वाला है नहीं। आगे चलते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और मछली भी छोटे छोटे यहाँ पे, शायद क्या पता कहाँ पे, यहाँ पे। दोस्तों रास्ते के दोनों तरफ जो है इतना पानी पानी दिख रहा है, देखिए इधर भी इतना ज़्यादा पानी हो चुका है और फिर इधर भी है पानी, और आगे हम लोग जाने ही वाले हैं तो देखते हैं। बहुत ज़्यादा पानी हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली हम लोगों ने ये वाला प्लेस जो डिसाइड किया है, लेट्स सी क्या मिलता है कि नहीं। पूरा पानी ही पानी है, और यहाँ पे ये जो भैया ये ऑलरेडी मछली पकड़ ही रहे हैं, और ये यहाँ सामने मन फिशिंग नेट को जो है लगाने वाला है, और देखेंगे कि मछली मिलता है या नहीं। ज़्यादा दूर मत जाना क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ कितना डेप्थ है। दोस्तों ये भी आज फेल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है हमारा ये फिशिंग नेट। चलो यहाँ से निकलते हैं यार, यहाँ पे नहीं करेंगे, आगे चलेंगे, चलो। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। इतना ज़्यादा बारिश हुआ है ना कल रात को, इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कि हर जगह पानी पानी हो गया, और अभी क्या हुआ है कि मछली एकदम से मिल नहीं रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है। या फिर हम लोगों को शायद लोकेशन समझ में नहीं आ रही कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ मछली है कि नहीं, लेकिन लोग तो पकड़ रहे हैं और हमारे पास फिशिंग नेट है, कुछ अलग टेक्निक है नहीं, तो बेसिकली फिशिंग नेट से ही पकड़ना पड़ेगा। तो अभी आगे एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कहाँ पर मछली मिल सकता है, लेकिन आज 100% में मछली पकड़ के ही जाएंगे। तो हमारे इस वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए। हेलो, और अब ये वाला जगह डिसाइड किया है, बट फिर भी डाउट है, लेट्स सी। स्लोली स्लोली इसको यहाँ पे डालते हैं, देखते हैं यहाँ पे, उम्मीद तो है पर देखते हैं यहाँ पे कोई मछली मिलता है कि नहीं। तो एज़ यूजुअल दोस्तों यहाँ पे कोई मछली मिला नहीं, आगे जाके देखते हैं कि कुछ मिलता है कि नहीं, और फिर पहले वाले जगह पे जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि वहीं पे जो है ज़्यादा मछली था, पता नहीं अभी देखते हैं क्या है। और ये हमें ऑन द वे में भी देखने को मिला है, और इस तरीके से जो है ट्रेडिशनल फिशिंग नेट जो है बहुत लोगों ने बनाया है, और अब जो है ये लोग किसी फिशिंग नेट से जो है काफ़ी सारे मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और हमें भी जो है जल्दी से जल्दी बनाना पड़ेगा ताकि हम भी जो है इसी फिशिंग नेट के सहारे काफ़ी सारे मछली पकड़ पाए। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास फिशिंग नेट है, जिसकी वजह से हमें मछली, पानी ज़्यादा हो गया है इसलिए हम लोग को अलग अलग लोकेशन में मिला नहीं, हम लोग को अलग अलग टाइप के फिशिंग नेट या जो भी है ख़रीदना पड़ेगा, तब जाके हम लोग हर जगह पे जो मछली पकड़ सकेंगे। दो पकड़ता हूँ मैं, तो ये जा रहा है उसी लोकेशन पर, और आज पानी बढ़ चुका है, और ये हम लोग का जो है बहुत फेवरेट लोकेशन है, जहाँ पे हम लोग जाने के साथ साथ ही जो है हम लोग को मछली मिल जाता है, और बारिश एक्चुअली बहुत हो रही है। तो यहाँ देखते हैं आज पानी बढ़ गया है, देख सकते हो आप, और जो ये पानी है बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, और ऐसे गंदे पानी में बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा मछली आता है, क्योंकि उन लोग को दिखाई नहीं देता कि फ़िशिंग नेट किधर है,
तो वो फंस जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आते ही मैंने बोला ना, एकदम से जो है यहाँ मछली आना शुरू हो जाता है। इसको मिल चुका है एक ऑलरेडी, इसने निकाल भी लिया है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया मछली मिलता है दोस्तों। ये जा रहा है फिर से, बारिश हो रही है यार। एक्चुअली बारिश में मछली पकड़ने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे तो 100% मिलता ही है, हमारे बेस्ट लोकेशन है। हाँ हाँ हाँ, मिला मिला मिला, बढ़िया। स्लोली निकाल उसको, इसको एक और मिल गया है दोस्तों। देखो दिखाओ कौन सा वाला, ये अंडा दिखाओ। मस्त मस्त दोस्तों, बारिश हो रही थी तो हम लोग कार के अंदर ही बैठे थे। अभी 5 मिनट हो गया है, थोड़ा सा बारिश कम हुआ है। ये जा रहा है, होपफुली ज़्यादा होना चाहिए इस बार। फंसा तो नहीं है, तो एक मिला है आज। जैसे कि पानी थोड़ा बढ़ चुका है तो थोड़े धीरे धीरे मिल रहा है मछली, बट एक उसको मिल गया है दोस्तों। अभी मैं कोशिश करूँगा जाने के लिए, आज देखते हैं फिर। कुछ है? कुछ भी नहीं है। आगे ओके, इधर नहीं मिला ना। एंड देन अभी कोई मछली दिख नहीं रहा है। नहीं फंसा है दोस्तों, एक भी नहीं फंसा यहाँ पे। तो दोस्तों बेसिकली आज पता नहीं कि क्या हुआ, हम लोग को मछली ही नहीं मिला, सिर्फ 4 मछली मिले हैं। और मैंने आप लोग को जस्ट दिखाया है कि लोग कैसे मछली पकड़ रहे हैं, तो हमारे पास तो वैसा वाला भी फिशिंग नेट नहीं है। तो हम लोग क्या सोचे कि कल सुबह को आएंगे, एकदम सुबह सुबह, और यहाँ तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कल सुबह अगर हम लोग दूसरा वाला नेट लेके आए, जो इस तरीके से उठा रहे थे लोग, आपने देखा, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मछली मिलने वाला है। ट्रस्ट मी, 1 घंटे में आप काफ़ी ज़्यादा मछली कलेक्ट कर लोगे। तो दोस्तों मेरे और भी वीडियोस का लिंक मैंने दिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे मछली पकड़े हैं, और उनको जाकर देखिए। आज हम लोगों ने सिर्फ 4 मछली पकड़ा है। पर दोस्तों अगर आप लोग को इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हैं और ऐसा नेचर आपको बहुत पसंद है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा भी दोस्तों हम लोग आप लोग तक बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस जो है पहुंचाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और यस मैं एक नया वीडियो जल्दी लेके वापस आता हूँ। बाय।